जय श्री राम। विशेष स्वागत इस वर्ष करवा चौथ का व्रत करने वाली हमारी बहनों देवियों के साथ में, जो प्रतिवर्ष से करते आए हैं, उन सभी लोगों का अपने परिवार हिंदू ईश्वर चैनल में मैं हृदय से कर रहा हूँ, क्योंकि सर्वोत्तम व्रत की श्रेणी में करवा चौथ का व्रत आता है, जो पति पत्नी के प्रेम की प्रबलता को प्रकट करता है, बढ़ाता है, आनंद देता है। दो प्रश्न इस बार उठ रहे हैं कि गुरु जी, मलमास अधिक मास पुरुषोत्तम मास भी जिसको कहा जाता है वो निकल चुका है, कई लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि इस बार हमें व्रत नहीं करना है। तो मेरे भाई बहन, शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण प्राप्त नहीं है, इन बातों पर हमें नहीं आना है। जबकि हाँ, ये बात अवश्य है कि गुरु अस्त हो, शुक्र अस्त हो, उस समय कोई नया व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो दोनों की स्थिति इस बार ऐसी नहीं है, इसलिए जो हमारी बहनें, बच्चियां, माताएं पहले से करती आ रही हैं, अथवा जो प्रथम बार जो है करवा चौथ का व्रत प्रारंभ करना चाहती हैं, निस्संकोच पूरे हृदय से, पूरे अच्छे मन से वो प्रारंभ कर सकती हैं, कहीं कोई दोष नहीं है। दूसरा, जो मुहूर्त की बात आ रही है, तो ये 4 नवंबर को पूर्ण रूप से जो है चतुर्थी की प्राप्ति हो रही है, और जो ज्योतिषीय गणना के अनुसार जो ज्योतिषियों ने मिलकर के उत्तम समय का निर्धारण किया है, शाम को 5:30 PM से लेकर के 6:48 PM तक, 5:30 बजे से लेकर 6:48 तक का समय बताया है। पर ये एक व्यवस्था हो गई, इसके आगे भी आप कर सकते हैं। मान लिया ऑफिस गोइंग है, अथवा घर में ही ऑफिस से 10 गुना ज्यादा कार्य रहता है, इसलिए जब कीजिए आनंद से कीजिए, कहीं कोई रोक टोक दोष नहीं है। हाँ, शीघ्र करने से रहता है कि हमें शीघ्र जल पीने को प्राप्त हो जाता है। तो जल हम तभी पीते हैं जब चंद्रदेव की पूजा करते हैं। तो जो चंद्रदेव की पूजा का समय है वो जो है चंद्रोदय के बाद करना चाहिए। चंद्रोदय जो प्राप्त हो रहा है अपने भारतवर्ष में, सर्वप्रथम कोलकाता में 7:40 PM 7:40 शाम को, उसके पश्चात अगर हम वाराणसी में देखते हैं तो हाँ 7:59 वाराणसी में चंद्रदेव का दर्शन होगा, और हमारे महाराष्ट्र मुंबई में आते आते 8:51 जो है यहाँ पर दर्शन देंगे मुंबई में। इस प्रकार से देखा जाए तो मोटा मोटी तौर पर पूरे देश में 9 PM तक जो है चंद्रदेव विराजमान होकर के आशीर्वाद हर देवियों को, बच्चियों को प्रदान करेंगे। तो इसलिए जो है आप 9 बजे के बाद कहीं भी किसी भी देश में अपने रहते हुए आप भारतवर्ष के लोग अपना चंद्रदेव को पूजा करके उनको अर्घ देने के पश्चात में पारण कर सकते हैं, कर सकती हैं। हमारी दिव्यतम जो है शुद्ध देखा जाए तो दैदीप्यमान हमारी बहनें पूजा करने के बाद जो चेहरे का हमारे आभा बढ़ती है, उस तेज का वर्णन करना बहुत ही कठिन होता है, वो भी अगर हम निर्मलता से करें तो। इसलिए निसंकोच पुरुषोत्तम मास का कोई दोष नहीं है। और दूसरी बात, आप 9 बजे के बाद भी पूजा कर सकती हैं, किसी कारण से विलंब हो गया है उसमें भी कोई संदेह मत कीजिएगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सियाराम।